हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट लाइफ लर्निंग। दोस्तों, आप लोग का एक बहुत बड़ा डाउट है, कुछ स्टूडेंट के सवाल है कि सर सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगी, सर कितने मार्क्स तक सीबीएसई ग्रेस मार्क्स दे सकती है, काफ़ी परेशानी हो रही है। तो गाइस, आज के वीडियो आप लोग के डाउट्स के डिपेंड पे है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जानने के लिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि टेंशन मत लो, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा, मैं पास हूँ या फेल हूँ, इस चीज़ पर आप ध्यान मत दीजिए। आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हो चुका है, सो चिल करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ सीखते रहो, तो टेंशन मत लो। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका जब रिजल्ट आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट 2, 3, 4, 5 मार्क्स से कंपार्टमेंट आ गए थे, जिसमें आप लोगों का दोस्तों सीबीएसई से भरोसा ही उठ चुका है और काफ़ी नेगेटिव हो चुके हो कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपार्टमेंट तो आपके आइए 2-3 मार्क्स से आइए ज़्यादा स्टूडेंट के, तो एक यहाँ पर एक नेगेटिविटी बन रखी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सीबीएसई आपको दोस्तों सीबीएसई अपने रूल के हिसाब से ही ग्रेस मार्क्स देता है। जैसे एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 1 मार्क्स चाहिए या 2 मार्क्स चाहिए, मतलब कि लिटिल मार्जिन चाहिए पास होने के लिए, तो वहाँ पर सीबीएसई का रूल लागू होता है और सीबीएसई कुछ ग्रेस मार्क्स दे के जितनी ज़रूरत होती है उसको पास कर देता है। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया होता है, एक रूल होता है, एक लिमिट होती है, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कि अगर आपको 10 मार्क्स चाहिए, 15 मार्क्स चाहिए, 20 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स चाहिए तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो एक लिमिट के हिसाब से देता है। तो दोस्तों, सीबीएसई रूल के हिसाब से कम 5 मार्क्स तक दोस्तों ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम दोस्तों 5 मार्क्स तक सीबीएसई इन चेकिंग में दोस्तों ग्रेस मार्क्स दे सकता है 5 मार्क्स तक। लेकिन अगर आपके बहुत ही कम मार्जिन में पास चाहिए तब यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए। तो अब आपके दोस्तों जो कॉपी चेकिंग होगी वो दोस्तों 16 रीजनल सेंटर पर ही होगी, तो इसका भी फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि सेंटर पर कॉपी चेकिंग होती है, वहाँ पर गाइडेंस रहते हैं, वहाँ पर रूल रेगुलेशन होता है और वहाँ पर जब टीचर चेकिंग उनके हिसाब से होती है। लेकिन पिछली बार जो कॉपी चेकिंग हुई थी वो लॉकडाउन की वजह से हुई थी, जहाँ पर घर पर चेकिंग हुई थी, जिसमें गाइडेंस की कमी रह गई थी, जिसमें काफ़ी सारे कुछ टीचर खड़ूस भी थे, जिन्होंने दोस्तों 1-2 मार्क्स से कंपार्टमेंट बहुत स्टूडेंट को दे दी थी। तो यहाँ पर चांसेस है कि सारे क्राइटेरिया को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर पैंडेमिक के सिचुएशन को ध्यान में दिया जाएगा। आपके जो मैथ का पेपर आया था उसमें पैटर्न ही चेंज था, तो बहुत कुछ मैटर करता है कि आपने यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाए, इन्वायरमेंट नहीं था और आपके इंस्टीट्यूट वगैरह से आपने अदर क्लासेस नहीं ले पाए थे, तो इन सभी चीज़ को ध्यान में देते हो। यहाँ पर लीनियंट चेकिंग होगी, चेकिंग को लेकर डरने वाली बात नहीं है, खुद पर भरोसा रखो, चिल करो, इन्जॉय करो, आप पास हो जाओगे, खुद पर भरोसा करो। तो आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों सीबीएसई अपने रूल के हिसाब से ही आपको ग्रेस मार्क्स देगा, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों आखिरी में बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है रियल लाइफ लर्निंग, वहाँ पर दोस्तों आपको वैल्यूबल वीडियो ही मिलेगी, वैल्यूबल वीडियो मिलेगी, इंस्पिरेशन, बायोग्राफी, फैक्ट, मोटिवेशन, एजुकेशन, स्किल्स, लाइफ से रिलेटेड सारी यहाँ पर मोटिवेशन वीडियो मिलेगी। और कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं अपनी लाइफ में जिसमें दोस्तों हम सारी ज़िंदगी भुगतते हैं, सारी ज़िंदगी उसका भुगतान भरना पड़ता है और हम काफ़ी पछताते हैं। तो बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट जो वीडियो होगी, जो आपका समय बचाएगी, वही वीडियो उस पर प्रोवाइड होगी। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार विजिट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।